हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है होली और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली स्पेशल मैं लेकर आई हूँ ठंडाई आइसक्रीम। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर दूध, तो ये मैंने लिया है 300 ग्राम दूध। अब हम डाल देंगे इसमें एक कप भर के मिल्क पाउडर, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रिच बने और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की। इसे बनाने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए मिल्क पाउडर एकदम अच्छी तरह से मिल गया है। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है। अब हमने इसमें डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर, तो मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिए हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। मिल्क पाउडर के साथ दूध मिलकर एकदम गाढ़ा, एकदम क्रीमी टेक्सचर का हो चुका है। तो जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे बॉईल करना है। ये देखिए, जिससे कि ये बहुत ही रबड़ी जैसा लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे हम। इसमें हम डाल देंगे पिस्ता, काजू, बादाम, अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर हमने इलायची भी ले ली है। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इन्हें हमने 3 पल्स में अच्छी तरह से दरदरा कर लिया है। अब इस आइसक्रीम के मिक्सचर में हम इसे डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं ठंडाई फ्लेवर की आइसक्रीम, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है गुरु जी का केसर पिस्ता वाला ठंडाई। तो इससे आपकी जो भी कमी रह गई है ठंडाई बनाने में, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। तो 1 से 2 चम्मच डाल दें आप। और ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही सुंदर इसका टेक्सचर आ चुका है। कॉर्नफ्लावर वगैरह हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो आप इसी तरह से बनाएं। और अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद आप अपने मन चाहे मोल्ड में इसे भर सकते हैं। आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये कुल्हड़, जिससे कि बहुत ही टेस्टी हमारी कुल्हड़ वाली केसर पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार हुए। ठंडाई वाला फ्लेवर इसमें आए, ठंडाई वाली एक जो जैसे कि मार्केट में मिलती, बिल्कुल उस तरह का इसका हमें टेक्सचर बनाना है। आप इसे किसी भी मोल्ड में भी बना सकते हैं, ग्लास में भी बना सकते हैं। तो सभी मोल्ड में हम इसी तरह से भर लेते हैं। इसके ऊपर से आप इसमें क्लीन रैप लगा लें या फिर सिल्वर फॉइल, जैसे कि इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन ना हो। या फिर आप नॉर्मल कोई भी प्लास्टिक सीट में रबड़ लगाकर भी इसे अच्छी तरह से सील कर दें और इसे ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ दें। तो ये देखिए सभी में हमने अच्छी तरह से क्लीन रैप लगा देना है। अब इन्हें हम रख देंगे सेट होने के लिए फ्रीजर में ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए। बचे हुए मिक्सचर को हम इस तरह की कटोरियों में जमा लेंगे, जिससे कि देने में, सर्व करने में बहुत ही ईजी रहेंगी, क्योंकि घर में इस तरह से कुल्हड़ मिलती नहीं। तो आप इस तरह से कर दें। अब ये देखिए ओवरनाइट हो चुका है। हमने दूसरे दिन इस कुल्हड़ से निकाले हैं। ये देखिए आइसक्रीम एकदम सेट हो गई है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल छोड़ दें तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। ठंडाई आइसक्रीम इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी होली स्पेशल ठंडाई आइसक्रीम। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से एकदम क्रीमी टेक्सचर की बनकर तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होली की एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ।